हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये फार्माकोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जो दवा हम दवाई लेते हैं, जो मेडिसिन लेते हैं, हम उनको किस किस तरीके से ले सकते हैं, ये हम रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं। मतलब ये हुआ कि हम जो दवाइयाँ हैं हम उसको कैसे लेंगे, उसको हम मुँह से खाएंगे, हम उसको इंजेक्शन से लेंगे, या उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से लेंगे, या वेन में इंजेक्शन लगाने से लेते हैं, या टॉपिकल लेते हैं, या हम उसको ऑइंटमेंट की फॉर्म में किस तरीके से उसको लेते हैं। तो ये अलग अलग तरह के रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है कि हमें दवाइयाँ कैसे लेनी हैं, और इसको हम इसमें पढ़ते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ पे जो अलग अलग रूट्स हैं ड्रग को एडमिनिस्टर करने के, ड्रग को लेने के, दवाइयों को लेने के, तो उसमें क्या है कि इनकी जो बायो अवेलेबिलिटी भी अलग अलग होती है। उतनी ही मात्रा में जो है दवाई जो है ब्लड के अंदर पहुंचती है, उतना ही उसी और उसी प्रकार से उसी हिसाब से इसमें आराम मिलता है। मतलब अगर जो है हम कोई मेडिसिन ऑरली ले रहे हैं तो उसका जो इफेक्ट थोड़ा देर से आएगा, वहीं हम उसको अगर भाई इंजेक्शन लेते हैं, हम उसको इंट्रावेनस लेते हैं, तो उसका तो जो इफेक्ट है वो तुरंत आता है। तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ हम देखें, ये फार्माकोलॉजी का टॉपिक है। फार्माकोलॉजी के आपके बारे में आपको पता ही है कि जो फार्माकोलॉजी क्या है, इज़ ए स्टडी ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की फार्माकोकाइनेटिक स्टडी, ड्रग की फार्माकोडायनेमिक स्टडी, हम सारा जो है हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो यहाँ हम देखें कि मोस्ट ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाई ए वेराइटी ऑफ रूट्स। द चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट रूट इन ए गिवन सिचुएशन डिपेंड्स बोथ ऑन ड्रग एज वेल एज पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। तो यहाँ पे कौन सा रूट चूज़ करना है, कौन से रूट से आपको मेडिसिन लेनी है, वो दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। क्या है? एक तो फैक्टर है कि सिचुएशन क्या है, क्या है कि किस तरह की सिचुएशन है। मतलब पर्सन जो है कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, बेहोश है, या दवाई ले सकता है, या कोई वॉमिटिंग है, उल्टी कर रहा है तो नहीं ले सकता है, तो किस तरह की कंडीशन है पेशेंट की। तो एक तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा रूट आपको चूज़ करना है, और दूसरा जो फैक्टर है वो है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। सिचुएशन क्या है, इन्हें डिपेंड ऑन जो है बहुत ड्रग एज वेल एज ड्रग किस टाइप की है, और पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। ड्रग किस टाइप की है, ड्रग को हम ऑरली ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, या ड्रग का डोसेज फॉर्म क्या है, और दूसरा पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। तो दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ड्रग का जो रूट है वो डिपेंड करेगा, एक ड्रग की प्रॉपर्टी और दूसरा पेशेंट की कंडीशन। तो इन दोनों सिचुएशंस पर जो है ये डिपेंड करता है ड्रग का रूट। तो हम आगे देखें, रूट्स जो हैं वो इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। दो प्रकार के रूट्स होते हैं जिनके द्वारा जो दवाई है, जो मेडिसिन ली जाती है। एक है, क्या है, रूट्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू दोज फॉर लोकल एक्शन एंड सिस्टमिक एक्शन। एक तो दवाइयाँ जो लेते हैं हम, तो एक तो वह है जो उनको लोकल एक्शन के लिए हम लेंगे दवाई, और दूसरा जो रूट हम चूज़ करेंगे वो ड्रग के सिस्टमिक एक्शन के लिए। तो यहाँ हम दोनों के लिए अलग अलग रूट्स हैं। अब देखते हैं हम क्या है कि सबसे पहले बात करते हैं कि फैक्टर्स गवर्निंग चॉइस ऑफ रूट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रूट के वो जो है वो अफेक्ट करते हैं, चॉइस ऑफ रूट को अफेक्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर वन इज़ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिबिलिटी, स्टेबिलिटी, पीएच और इरिटेंसी। तो जो ड्रग है, जो दवाई है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी क्या हैं, उसके जो प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है दवाई ली जाएगी। मतलब ड्रग जो है सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, ठीक है जी। सॉलिड है तो आप कैसे उसको ऑरली भी ले सकते हैं, लिक्विड है तो भी इसको आप ले सकते हैं, गैस है तो आप उसको जो इनहेल वगैरह भी करेंगे, ठीक है उसका। और ड्रग की सॉलिबिलिटी कैसी है, ड्रग की स्टेबिलिटी कैसी है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो गैस्ट्रिक एसिड में जाकर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उसका जो एसिड एसिड की वजह से वो जो है ख़राब हो जाती हैं, उनको आप ऑरली नहीं ले सकते, उनको फिर इंजेक्शन से लेना पड़ता है। ड्रग का पीएच क्या है, ठीक है जी, और ड्रग की जो है इरिडेंसी क्या है क्या है, ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो डिपेंड करता है ड्रग का रूट। तो सबसे पहला है आपका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, ड्रग का नेचर क्या है। नंबर दो, नंबर टू में क्या है, साइट ऑफ डिज़ायर्ड एक्शन। अब आपको जो आपका एक्शन डिज़ायर्ड है, जो आपको एक्शन चाहिए वो क्या, उसकी साइट क्या है,
मतलब यह है कि जैसे लोकलाइज्ड है और एंड अप्रोचेबल है, और जनरलाइज्ड है एंड नॉन अप्रोचेबल है। अगर लोकलाइज्ड है वो टॉपिकल भी आप इसको ले सकते हैं, अप्रोचेबल है, और अगर जनरलाइज नॉन नॉन नॉट अप्रोचेबल है तो उसको लिए अलग रूट्स आपके होंगे। तो ये भी जो है साइट ऑफ डिज़ायर्ड एक्शन के ऊपर भी जो है ड्रग का रूट ये गवर्न करेगा। तीसरा हम देखते हैं नंबर 3, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग फ्रॉम डिफरेंट रूट्स। अब जो है जो अलग अलग रूट्स हैं उनमें जो ड्रग का जो रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, मतलब रेट मतलब एक स्पीड और एक्सटेंट मतलब अमाउंट, मतलब किस स्पीड से कितना अमाउंट ड्रग का ब्लड में पहुंचेगा, वो भी अलग 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 रूट से अलग अलग होता है। अब माना कि अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है, अगर आपको रूट अगर ओरल रूट से कोई ड्रग दे देंगे तो उसमें इतना जल्दी इफेक्ट आएगा नहीं, तो अब उसमें क्या करेंगे, उसको इंट्रावेनसली देना पड़ेगा, उससे बायो अवेलेबिलिटी 100% होगी। तो यहाँ पर जो है क्या है कि बायो अवेलेबिलिटी या रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना चाहिए हमें ड्रग का, कंडीशन क्या पेशेंट की, वो भी एक फैक्टर है जो कि रूट्स ऑफ ड्रग एक्शन एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट है इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग ऑन द ड्रग। और जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है लीवर का, वो ड्रग का के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है वो भी डिपेंड करेगा रूट को ड्रग के। माना कि कुछ डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं जिनकी वजह से मेडिसिन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, स्टेबल नहीं रह पाती है स्टमक के अंदर, तो उसमें भी क्या होगा कि ड्रग को आप ओरली नहीं ले सकते। वहीं जो है दूसरी चीज़ क्या है कि अगर जो है कुछ ड्रग्स क्या उनको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है और वो डायरेक्टली लीवर में चली जाती हैं, और लीवर में जाने के बाद उसको जो है मेटाबोलाइज होने के बाद में वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी, तो वहाँ भी ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो वहाँ भी रूट चेंज करना पड़ेगा। तो ये भी जो है क्या है कि डाइजेस्टिव जूसेस का और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट है वो भी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करेगा। हम नेक्स्ट देखें कि रैपिडिटी विद विच द रिस्पॉन्स इज डिज़ायर्ड। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हम किस रैपिडिटी से कितनी स्पीड से हमें रिस्पॉन्स चाहिए, ये भी एक फैक्टर है जो हमें देखना है ड्रग को लेने से पहले। मतलब ये रूटीन ट्रीटमेंट है या इमरजेंसी कंडीशन है। अगर रूटीन ट्रीटमेंट है, इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, तो आप ड्रग को ओरली भी ले सकते हैं, लेकिन अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो आपको उसको ओरली नहीं लेंगे, तो उसको आपको केवल इंजेक्शन से आपको उसको लेना पड़ेगा, आईवी रूट से आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद हम देखें कि एक्यूरेसी ऑफ डोसेज रिक्वायर्ड, मतलब आईवी और इनहेलेशनल कैन प्रोवाइड द फाइन ट्यूनिंग। अब डोज की एक्यूरेसी कितना चाहिए उसका वही एक फैक्टर है जो कि गवर्न करेगा रूट के चॉइस को। देन हम देखें नेक्स्ट इज कंडीशन ऑफ द पेशेंट। अब पेशेंट की कंडीशन क्या है वो भी एक रूट है, रूट के चॉइस को गवर्न करेगा कि अब पेशेंट कोई अनकॉन्शियस है, वो मेडिसिन अपना आप ले सकता है नहीं ले सकता है। दूसरा कहीं पेशेंट वॉमिटिंग है, आपने उसको ओरली मेडिसिन दी, उसने वॉमिट किया, उल्टी कर दी और बाहर निकल गई मेडिसिन, तो उस केस में भी क्या है कि देखना पड़ेगा कौन सा रूट उसके लिए सूटेबल है। तो पेशेंट की कंडीशन क्या है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो रूट उसके लिए सूटेबल है तो वही उसी रूट से उसको ड्रग देंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो रूट चॉइस ऑफ रूट को गवर्न करते हैं, तो ये आप उसको देख लें। इसके बाद में हम देखते हैं सबसे पहले है आपका लोकल रूट्स। लोकल रूट्स नाम से इंडिकेट होता है, मैंने आपको बताया कि दो टाइप के रूट्स जो है देखे जाते हैं इसमें, एक है लोकल रूट्स और एक सिस्टमिक रूट। लोकल रूट के इसलिए हैं कि ये दे आर यूज फॉर लोकलाइज्ड लीजन फॉर ड्रग्स हूज सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन फ्रॉम दीज साइट्स इज मिनिमल और एबसेंट। मतलब ये है कि ये लोकलाइज्ड लीजन्स के लिए जरूर होते हैं ये रूट्स, और उन ड्रग्स के लिए होते हैं जिनका सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन इन साइड से बहुत कम होता है या एबसेंट होता है, इनको लोकल रूट्स कहते हैं। जैसे कि दिस हाई कंसंट्रेशन आर अटेंड एट द डिजायर्ड साइट विदाउट एक्सपोजिंग द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब जिस लोकल एरिया में ड्रग का इफेक्ट चाहिए होता है कि वहीं उनको अप्लाई किया जाता है, और जिससे कि बाकी बॉडी के बाकी पार्ट पर उसका कोई इफेक्ट ना हो। तो यहाँ हम देखें कि लोकल रूट्स जो है, जैसे कि आप देखें यहाँ पे सबसे पहला है नंबर 1 इज टॉपिकल रूट। तो यहाँ इसमें क्या करते हैं कि जो ड्रग्स को एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या है रिफर्स टू एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग टू द सरफेस फॉर लोकलाइज्ड एक्शन। तो क्या है कि ड्रग को जो है स्किन सरफेस पर एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं यहाँ पे, और यहाँ देखें ड्रग कैन बी एफिशिएंटली
डिलीवर्ड टू द लोकलाइज लीजन ऑन स्किन, ओरोफेरिंजियल नेजल म्यूकोसा, आईज, ईयर कैनाल, एनल कैनाल और वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ लोशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, पाउडर, रिंस, पेंट्स, ड्रॉप्स, स्प्रे, लोजेंजेस, सपोजिटरीज और पेशरीज। तो इन सभी डोसेज फॉर्म में ये ड्रग्स ली जाती हैं। तो आपको जो है लोकलाइज्ड एक्शन के लिए, जब मान लिया कि किसी को नेजल स्प्रे करना है, किसी को नज़ला वगैरह है, तो हाँ डायरेक्टली क्या करेंगे उस ड्रग को, केवल नेजल स्प्रे करेंगे। आईज़ में के में इफेक्ट चाहिए तो केवल आईज़ में ही ड्रॉप डालेंगे। और ईयर कैनाल में अगर कान में आपके दर्द है तो केवल ईयर ड्रॉप यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। कहीं आपको कोई स्किन में प्रॉब्लम है तो वहाँ पर कोई क्रीम वगैरह लेंगे और उसे स्किन पर रब कर लेंगे। तो ये जो दूसरी चीज़ें हैं, से एनल कैनाल है, वेजाइना है, इनमें लोकलाइज्ड एक्शन के लिए ड्रग्स ली जाती हैं टॉपिकली। तो ये क्या है कि ये टॉपिकल रूट्स हैं, तो टॉपिकल रूट्स के लिए ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन इसका करेंगे हम। तो इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल भी इसमें चाहें तो आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग गिवन ओरली फॉर एक्शन ऑन जीआई म्यूकोसा, जैसे सुक्रालफेट, वेंकोमाइसिन, इनहेलेशन ऑफ द ड्रग्स फॉर एक्शन ऑन ब्रोंकाई, जैसे कि साल्बिटामोल, क्रोमोलिन सोडियम एंड इरीटेटिंग सोल्यूशंस, जेलीज, पोविडोन, आयोडीन, लिडोकेन, ये क्या अप्लाई टू यूरेथ्रा और अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रॉपिकल मेडिकेशन। ये तो हुआ आपका लोकल रूट्स, लोकल एक्शन के लिए। दूसरा आप देखें कि इसमें टॉपिकल हुआ, ये टॉपिकल एक्शन के लिए। दूसरा हम देखें डीपर टिश्यूज के लिए। वहीं कुछ लोकल रूट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे जो ड्रग को डीपर टिश्यूज में को नीड होती है। अब यहाँ आप देखें कि सर्टेन डीप एरियाज कैन बी अप्रोच्ड बाई यूजिंग अ सिरिंज और एंड नीडल, बट द ड्रग शुड बी इन सच ए फॉर्म दैट सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन इज स्लो। यहाँ पे क्या है कि एक यहाँ पे सिरिंज या एक निडल की से ही अप्रोच कर सकते हैं इन एरियाज़ को, लेकिन ड्रग जो है ऐसी होगी कि उसका सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन बहुत कम से कम हो। जैसे कि एग्जांपल इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, जैसे कि ये हाइड्रोकॉर्टिसोन एसिटेट के इंजेक्शन दिए जाते हैं नी जॉइंट्स में। दूसरा इसमें इंट्रा फिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन एंड अराउंड नर्व, और इंट्रा थीकल इंजेक्शन जैसे कि लिडोकेन के, और रिट्रो बल्बर इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन एसिटेट बिहाइंड द आई बॉल, ये डीपर टिश्यूज में। तो यहाँ पे नेक्स्ट है आर्टेरियल सप्लाई। आर्टेरियल सप्लाई में क्या है कि क्लोज्ड इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन इज यूज्ड फॉर कॉन्ट्रास्ट मीडिया इन एंजियोग्राफी। एंटी कैंसर ड्रग्स कैन बी इन्फ्यूज्ड इन फ्यूमोरल और ब्रेकियल आर्टरी टू लोकलाइज्ड द इफेक्ट ऑन फॉर लिम्फ मैलिग्नेंसीज। जो लिम्फ मैलिग्नेंसीज है, कैंसर की फॉर्म है, तो उनमें क्या है कि एक आर्टेरियल सप्लाई जो की जाती है इसमें, और इन ड्रग्स को जो है बिल्कुल लोकलाइज्ड एक्शन के लिए दिया जाता है। जैसे कि एंजियोग्राफी में है, एंटी कैंसर ड्रग्स का है, फ्यूमोरल आर्टरी में इसको देते हैं या ब्रेकियल आर्टरी में देते हैं। तो ये आपका लोकल रूट्स पे, आप इनको देख लें। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे सिस्टमिक रूट्स। धन्यवाद।